हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है। फिगर शोज द सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल, द रेडियस ऑफ सर्कल, द पीरियड एंड सॉरी सेंस ऑफ रिवोल्यूशन एंड इनिशियल पोजीशन आर इंडिकेटेड ऑन फिगर। द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द एक्स प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल पी इज। हमें यहाँ पे एक इक्वेशन डिराइव करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो सबसे पहले देखो, पार्टिकल जो है वो कुछ इस पोजीशन पर है, पॉइंट पी पर, और ये मूव हो रहा है कुछ इस तरह से सर्कुलर पाथ में, राइट। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 30 सेकंड का, ये दिया है, मैं मेंशन कर देता हूँ। देखो टी इक्वल्स टू दिया है 30 सेकंड। अब अगर ये मूव हो रहा है कुछ इस तरह से, तो ये होगा इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन वन साइड ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल के किसी एक साइड में, मतलब यहां पे एक्स की वैल्यू रहेगी बी, और वी कैन से इट इज अ एम्पलीट्यूड, कैपिटल ए भी बोल सकते हैं, दैट इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड, राइट। इनिशियल जो टाइम है वो हमें जीरो दिया है। तो हमें पता है कि एक्स का इक्वेशन, क्योंकि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज इट इज ए साइन ओमेगा टी। अगर वो पार्टिकल मीन पोजीशन से अगर स्टार्ट होता है तो ये इक्वेशन होता है, राइट, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। इस केस में एम्पलीट्यूड मैंने यहां पे कैपिटल ए लिखा था, ओके, इसको स्मॉल ए कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज अ स्मॉल ए, दैट इज एम्पलीट्यूड। तो इस केस में एम्पलीट्यूड देखो क्या है, ये बी है, उसके बाद साइन ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2π/T, कैपिटल टी इट इज, दैट इज अ टाइम पीरियड, और ये हो जाएगा स्मॉल टी। तो वी कैन राइट हियर x इक्वल्स टू बी साइन 2π, यहां पे टाइम पीरियड कितना दिया है, देखो ये है 30 और t, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट यहां पे अगर ऑप्शन में अगर चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए देखो यहां पे मैच कर रहा है, दैट इज बी साइन 2π/30 × t। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट हो जाता है, ओके।